अगर युद्ध पर उतारू हो जाए तो पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बुद्ध के साथ साथ उधम सिंह के भी अनुयायी हैं, ये बता देना चाहते हैं। तो रोकना है तो रोक लो, आज क्यों नहीं रोक लिए? हिंदू धर्म मात्र सिवाय भारत के कुछ जनपद कुछ स्थानों में है, जबकि बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया मानता है, तथागत बुद्ध का अनुयायी पूरा विश्व है। लेकिन तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास पढ़ लीजिए, मैं ज्यादा न। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस के सारनाथ पे, जहाँ पे जो बहुत भिक्खों का जमावड़ा इस समय दिख रहा है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे लगातार। जिस तरह से सारनाथ के अंदर जो म्यूजियम है वहाँ पे लोग आ रहे हैं, दिखाने की कोशिश करिए। यहाँ पे लाखों की भीड़ आ रही है, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। को आगे पहुँच कर दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे भीड़ है। चलिए, हम इस समय सारनाथ के अंदर हैं जहाँ पे बौद्ध स्तूप है। इस समय देख रहे हैं आप लाखों की भीड़ जो है बौद्धों को दिख रही है, जो बौद्ध अनुयायी हैं इस समय जो है लाइन के कतार में दिख रहे हैं। इस समय आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारे कैमरामैन से हम कहेंगे कि वो लाइन से दिखाएं जिस तरह से यहाँ पे बौद्ध अनुयायी जा रहे हैं। नितिन भाई खिलाएंगे आपको मिठाई। हम इसमें बौद्ध स्तूप के करीब पहुंच रहे हैं और यहाँ पे भीड़ ही भीड़ दिख रही है, बहुत जनसैलाब उमड़ा है बौद्धों का, बौद्ध अनुयायियों का। हम बात करने की कोशिश करेंगे साथी से, जितेंद्र धनराज जी हमारे साथ में, बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहें, क्या कारण है इस तरह से सैलाब दिखाने का। ये जो जनसैलाब जो यह समुद्र से भी गहरा दिखाई दे रहा है, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग, माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, मार्गदर्शक, क्रांतिकारी साथी, हर जगह के लोग अपने धर्म को बचाने हैं, ना कि धर्म को। धर्म अफीम होता है, वो हिंदू एक धर्म है, वो अफीम है, और हमारा जो धर्म है यह उपदेश है, और हम लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं जो शांति का प्रतीक दे रहे हैं। हमारा गौतम बुद्ध जी कहते हैं, गौतम बुद्ध का क्या पहचान, बौद्ध धर्म का क्या पहचान, मानो मानो एक समान। तो हम लोग एक समान जब बौद्ध धर्म में आते हैं तो सभी एक समान होके एक साथ खाते, एक साथ बैठते, एक साथ शिक्षा दीक्षा, हर चीज़ एक समान होता है। लेकिन क्यों रोका गया, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। आपको पता है कि यह जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सौ को रोका गया था, वही 100 साल आगे की सोचते हैं। जैसे अमित शाह एक बार कहे कि हम 80 साल हम राज्य करेंगे, उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये 100 साल, अब इनको पता है कि जो बौद्ध धर्म है धीरे 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 भारत ही नहीं पूरा विश्व में फैल चुका, और भारत में भी अब गली गच्चे चौराहा हर जगह के लोग अब मानने लगे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म कहता है कि आप जानिए, आप पहचानिए, परखिए, अगर उस तब विश्वास हो तब इस धर्म को मानिए। या नहीं कहता है तमाम धर्मों के हिसाब से कि आँख बंद करके मान लीजिए, और तमाम धर्मों में आप देखे हैं कि हमेशा हर धर्मों में दबाने का काम किया गया, हर धर्मों में बहलाने फुसलाने का काम किया गया, लेकिन बौद्ध धर्म जो है सही मार्ग दिखाने का, और यह भारतीय जनता पार्टी उसी में हम आ रहे हैं, क्योंकि जान रहा है कि जो धर्म है ना यह पूरा भारत में अब फैल चुका है और फैल रहा है, और आने वाले 5 से 10 सालों में और 15 सालों में पूरा बौद्धमय भारत हो जाएगा। तो उनका जो प्रोपेगेंडा, जो एजेंट रहता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ती है, तो उसका क्या रहता है, हिंदू धर्म। अब उसको पता है कि भारत हिंदू धर्म क्यों नहीं हो पा रहा है, इसीलिए क्योंकि बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग उनसे ज़्यादा हो चुके हैं और हो जाएंगे, तो यह भारत बौद्धमय हो जाएगा, ना कि हिंदूमय। और किस पर लड़े, यही मोदी जी का यह बनारस है। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे लड़ाई जो है बौद्ध और हिंदुओं से है। बिल्कुल, अब यहाँ तो वही कि इसीलिए रोका जा रहा है ना, अब उनकी सरकार है। हिंदुत्व सबको जानता है कि भारतीय जनता पार्टी कट्टरता हिंदुत्व की बात करती है, कोई रोक नहीं। तो भैया अगर हम पहली बार मैं प्रार्थना करता तब आप रोकते तो मैं मानता कि चलिए गलत है, लेकिन जब से गौतम बुद्ध साहब ने उपदेश दिया तभी से यहाँ से पूजा और प्रार्थना होती आ रही है। तो आज कौन सा मतलब ऐसा चीज़ आ गया कि आज आपको रोका जा रहा, ये भी नहीं कि डेली लाख लोग आ रहे हैं,
केवल चार बिच्छू लोग तो क्या उनकी मनसूबा क्या मनसूबा तो यही प्रतीत कर रहा है ना कि रोको नहीं तो पूरे भारत में आज जो है लाखों लोग आए थे, किस किस जिले से आए थे, कहाँ कहाँ से लोग आए थे। हमने क्या कहा कि बलिया, आजमगढ़, देवरिया, पश्चिम बंगाल, तमाम नेपाल, पूरे विश्व के लोग हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग। आप देखें कि बसें थी, लोग दो दो दिन से पहले आके लगे हुए थे। हम गाजीपुर, आप इलाहाबाद, ये देवरिया, वो फैजाबाद, ये बलिया, आजमगढ़, देवरिया, फैजाबाद, साकेत, अमरेठ, बताइए, तमाम लोग आए हुए हैं। ये सर चंदौली से, गोरखपुर से, तो हर संत रामदास भदोह से, फैजाबाद से भी कुछ लोग हैं, अयोध्या से लोग हैं, तमाम जिलों के लोग हैं। यह अब यह दिखा दे रहा है इस सरकार को, अब तुम हिंदू धर्म नहीं बना पाओगे, अब हम बौद्ध धर्म के तरफ अग्रसर हो गए और हम बना के मानेंगे। रोकना है तो रोक लो, आज क्यों नहीं रोक लिए? प्रार्थना करने से तुम रोक रहे थे, इतनी ताबुक है तो उनके ताबुक में कील ठोकने का, या बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं उनके ताबुक में कील ठोकने जज्बात रखते हैं। हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की बात करते हैं योगी जी, मोदी जी, उनको किस तरह से आप कहेंगे? क्या ये जो है आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू और हिंदुत्व और बौद्धों की लड़ाई? देखिए पहले तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप हिंदुत्व को मानते हैं, आप मानिए, हम नहीं रोक रहे हैं। क्या हमने मंदिरों में जाने से किसी को रोका? हमने मुसलमान भाइयों को मस्जिदों में जाने से रोका? हमने गुरुद्वारा में से किसी सिख भाइयों को रोका? नहीं रोका। अब यह तो जनता तय करेगी ना, अब तो लोग ये स्वतंत्र है, जो जिसको धर्म को मान रहा, और बौद्ध धर्म को सबसे लोग ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, तो इसलिए उनकी जो जनसंख्या है वो कम हो रही है हिंदू धर्म। अब उनको ये भी लग रहा है कि धर्म तो खत्म होगा और बिना धर्म के हम राजनीति कर भी नहीं पाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि बौद्ध धर्म वाले जो है हिंदू राष्ट्र निर्माण ना होने दें? हमने कहा कि उस हिंदू धर्म में अंधकार है, गलत राह है, अंधविश्वास है, उसके आड़ में न जाने क्या क्या होता है आप जानते हैं। इसलिए हम भी कहते कि आप उसी धर्म को मानिए जो आपको सही मार्ग बताता हो, जो सही दिशा दिखाता हो, जिस पे आप संतुष्ट हैं। पर कि हमने एकदम साइंस पे हम बात कर रहे हैं ना, कि हम देखेंगे, चीनेंगे, पहचानेंगे, तब उनको मान। और गौतम साहब भी कहें कि हमारा बात को मत मानो, तुम भी इसको फॉलो करो, देखो, अगर रियल हो तब तुम हमारी बात को ना। ये उन्होंने कहा कि यह मेरा ही उपदेश नहीं, आदेश नहीं है, यह विचार अगर सही है तो आप लोग मानिए, लेकिन उनके में कि तुमको मानना है तो मानना है, 4 बजे पूजा करना है तुमको करना है, तुमको ये करना है तो करना है, और लोगों को उसके घरे में ला के रोजगार से, शिक्षा से, मकान से, रोटी से, सिर्फ हिंदुत्व में ढकोल दिया जा रहा है। हमारे साथ में नितिन बौद्ध जी है जो इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, युवा कार्यकर्ता और जो है बसपा के नेता हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बीते हुए 23 मार्च को जिस तरीके से यहाँ पर पूज्य भंते जी को बुद्ध वंदना करने से रोका गया, तब देखिए हमारी सिर्फ मांगे इतनी है कि जैसे कोई भी धर्म हो, कभी हम मंदिर में जाएं तो कभी भी वहाँ पे पूजा करने से पहले परमिशन नहीं ली जाती, या मस्जिद में जाएं तो नमाज़ पढ़ने से पहले परमिशन नहीं ली जाती, तो फिर अगर हम बौद्ध, अगर हमारे भंते जी, अगर पूरा बहुजन समाज जो तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, अगर वो बुद्ध वंदना करना चाहते हैं तो हम फिर सरकारी ऑफिसरों से परमिशन क्यों लें? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो भारत ही नहीं, ये बनारस ही नहीं, पूरे विश्व में तथागत गौतम बुद्ध जी का ये बौद्ध धर्म फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आरएसएस की इसको रोकने की ये चाल है। तो फिलहाल अभी हमारी कोई हिंदू धर्म से लड़ाई नहीं है, हिंदू धर्म से, क्योंकि लड़ाई उनसे हो कि जो हमारे बराबर में हो। हिंदू धर्म मात्र सिवाय भारत के कुछ जनपद, कुछ स्थानों में है, जबकि बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया मानता है, तथागत बुद्ध का अनुयायी पूरा विश्व है। यहाँ पे नितिन बौद्ध जी ने बताया कि जो है हिंदू धर्म थोड़ा सा है बौद्ध धर्म के आगे, क्या कहेंगे सर आप? कहाँ से हूँ जी? मैं गाजीपुर से हूँ। आगे आ जाइए गाजीपुर से हूँ। मेरा मानना यह है कि जिस हिसाब से तथागत गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ की भूमि पर, और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं कि ऐसा पहले उपदेश उन्होंने दिया था, स्पष्ट रूप से दिया था कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसको मत मानिए, जीवन में क्या सही है सत्य के कसौटी पर कसिए उसको मानने की ज़रूरत है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे विश्व के लोग आज सारनाथ के धरती पर आ चुके हैं और इसी धरती को हम लोग नमन करने आए हैं। बस इस चीज़ को संदेश इस सरकार को, इस प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ और सभी अनुयायी बताना चाहते हैं कि हमारी विरासत है और ऐसे शख्सियत की विरासत है कि जो राजपाट छोड़कर सत्य के कसौटी पर उन्होंने खोज की और सत्य के खोज में उन्होंने अपने राजपाट को छोड़ दिया, आज
मंदिरों से मठों से निकलकर लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने राजा होते हुए सत्य के कसौटी पर कसने के लिए अपने जीवन को कुर्बान किए और मानवता को पूरे दुनिया में पाठ पढ़ाए। भारत और हिंदू मुस्लिम से हमसे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। मुझे मानवता से मतलब है। मानवता के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया में उस पाठ को पढ़ाया और पूरी दुनिया मानती है। और सबसे पहले सोचने की विषय है, ये विश्व गुरु भारत रहा है किस समय रहा है? ये भारतवर्ष जब विश्व गुरु कब रहा? जब बौद्धमय भारत था, अशोक सम्राट का जमाना था। इस भारत में ऐसा इस भारत पूरे दुनिया में एकलौता भारत देश था जो पूरे दुनिया में पूजनीय था। क्यों था? पूरे दुनिया के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तक्षशिला से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ रहा करता था। आज मैं आपको रिकॉर्डेड बताने जा रहा हूँ बात कि पूरे भारत में मुझे एक बात बता दीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी क्या गिनीज बुक में नाम है? मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में भारतवर्ष में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं किसी का गिनीज बुक में नाम नहीं है, लेकिन तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास पढ़ लीजिए। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए इतना ज़रूर कहूँगा, इस धर्म को बचाने के लिए हम लोग कोई क्रांति नहीं करने आए हैं, लेकिन सरकार को प्रशासन को ये निर्देश करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि हमारे विरासत को अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग तो अभी शांति से हैं, हम लोग अभी बुद्ध को मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं। अगर युद्ध पर उतारू हो जाए तो पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर जो इलाहाबाद के गाजीपुर के लोग थे उनसे बात किए, क्या कहना चाह रहे हैं? हम बुद्ध के साथ साथ उधम सिंह के भी अनुयायी हैं, ये बता देना चाहते हैं। तो यहाँ पर बुद्ध के साथ साथ जो है उधम सिंह के अनुयायी भी हैं, गाजीपुर से थे, इलाहाबाद से थे, इन लोगों से बात की। अब हम चलते हैं जहाँ पे परिक्रमा हो रही वहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बौद्ध स्तूप के पास है, यहाँ पे जो है बुद्ध पूजा हो रही है, बुद्ध वंदना हो रही है, प्रक्रिया चालू है, आप देखिए लगातार। यति संघं शरणं गच्छामि। शूज पहन के यहाँ के पीछे रहिए, अपने जूता निकाल के आइए। पतियंति बुद्धं शरणं गच्छामि। सिक्खापदं समादयामि। मुसावादारिरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मद्यपमादत्तानाभिरमणि सिक्खापदं समादयामि। किसरणेन सद्भिः पञ्चशीलं धम्मं साधुतं सुरक्षितं कत्वा अप्रमादेन सम्पादयेत्।